नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईबीएस चैनल पर। आज हम 16 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके टारगेट एग्जाम्स को लेकर। आज फिर हम सीधा अपने फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, थॉट ऑफ द डे, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। देखिए, जैसे अच्छी बुक्स होती हैं और अच्छे लोग होते हैं, आप उनसे एक बार पढ़ेंगे या एक बार मिलेंगे तो आपको इंस्टेंटली उनके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस बुक को या उस पर्सन को कंटिन्यू मिलते रहेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम पड़ती रहेगी और आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। तो हम सीधा आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दीरा? The Ministry of Tourism has launched the Dekho Apna Desh webinar series. The first webinar will feature the rich heritage of which city? देखिए, the Ministry of Tourism ने एक देखो अपना देश नाम का webinar series लॉन्च किया है। वो पहली first city कहाँ कौन सी है जिसमें ये webinar लॉन्च हुआ है? दिल्ली। ठीक है, second option दिल्ली। इसके देखिए कुछ थीम भी है, इसकी थीम और टाइटल भी दिया गया है। तो थीम और टाइटल क्या है उसका? सिटी ऑफ सिटीज, दिल्ली पर्सनल डायरी। सीधा हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द इंस्टीट्यूशन दैट हैज बैक्ड द एडिशन अवार्ड फॉर द सोशल इनोवेशन फॉर क्लब एनर्जी कैंपेन। ठीक है, देखिए किस संस्था को एडिशन अवार्ड मिला है फॉर द इनोवेशन सोशल इनोवेशन क्लब एनर्जी कैंपेन के लिए? टाटा पावर्स। तो देखिए, इन्होंने एक हैशटैग भी इसके लिए यूज किया था। तो हैशटैग क्या है? देखिए, हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। Who has won the 13th International Prize for Arabic Fiction for his the novel The Spartan Court? देखिए, 13th International Prize for Arabic Fiction, उसका नाम है The Spartan Court, इसके लेखक कौन है? अब्दुल्लाहब एसनोई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अब्दुल्लाहब एसनोई। ये कहां के हैं रहने वाले? ये हैं अल्जीरिया के, अल्जीरिया से ये बिलोंग करते हैं। तो आप याद रखें इनकी एक इनकी नॉवेल का नाम क्या है? द स्पार्टन कोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड जियोस्पेक्टिकल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजन ड्यूरिंग द COVID-19 आउटब्रेक? देखिए, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट ने जियो स्पेक्टिकल प्लेटफॉर्म बनाया है ड्यूरिंग COVID-19 टू क्रिएट द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लॉन्च द इंटरक्टिव COVID-19 सर्विस ऑन फेसबुक मैसेंजर। देखिए, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर के साथ COVID-19 के अंदर सर्विस प्रोवाइड की है? WHO, उसका फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इस जरूर कमेंट करें मुझे, इसका आंसर वेट रहेगा आपके लिए। सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट विल इनॉग्रेटेड मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क फॉर COVID-19 which has been developed by Rajiv Gandhi University of Health Science? देखिए, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक टेस्टिंग किट फॉर COVID-19 डेवलप करने वाली संस्था को इनॉग्रेट किया है, मोबाइल किट को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? येदियुरप्पा। ठीक है, येदियुरप्पा, ठीक है, ये कर्नाटक के सीएम है, इन्होंने इस मोबाइल को इनॉग्रेट किया है। सेवन नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेम द इंश्योरेंस प्रोवाइडर विच हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अनाउंस एडिशनल बेनिफिट रिलेटेड टू द COVID-19
अप टू द 5 लाख। देखिए ऐसी कौन सी पहली इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जिसने एडिशनल बेनिफिट रिलेटेड टू द कोविड 19 पेशेंट्स को दिया है अप टू द 5 लाख। तो सेकंड ऑप्शन है टाटा AIA, सेकंड ऑप्शन टाटा AIA। 8 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। Which of the following small finance bank has taken step to bring in digital banking service like selfie-based instant fixed deposit account service? देखिए ऐसा कौन सा small finance bank है जिसने एक digital banking service के help से एक selfie-based instant FD account service चालू की है? तो इसका आंसर है Equitas। ठीक है, इसका full form है, कंपनी का है Equitas Small Finance Bank। ठीक है, आप लिख सकते हैं Equitas Small Fin Bank। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। The Ministry of External Affairs has announced the COVID-19 training program for healthcare professional from which of the following countries? देखिए, the Ministry of External Affairs ने अनाउंस किया कि कोविड 19 को ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये कौन सी कहां पे किया है? ये सार्क के साथ। ठीक है, सार्क के साथ इन्होंने काम किया है। अब सार्क का थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए कहां पर है। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल, और इसके कितने मेंबर हैं साफ में? साफ मिशन में कितने मेंबर से? 8 मेंबर हैं। ठीक है, इस भारत इसका हिस्सा है। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द सेफ्टी ग्रिड कैंपेन टू एनकरेज द सोशल डिस्टेंसिंग वाइल वेटिंग एट शॉप? देखिए कौन से एक बैंक ने सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, टू एनकरेज सोशल डिस्टेंसिंग? HDFC। फर्स्ट ऑप्शन HDFC। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। द RBI विल सून कंडक्ट द फोर्थ ट्रांचे ऑफ टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विल इंजेक्ट डैश करोड़ लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। देखिए आरबीआई ने फोर्थ ट्रांचे सिस्टम के तहत कितने रुपए बैंकिंग सिस्टम में इनपुट करेगी? तो इसका आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन 25,000 करोड़। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। Which of the following organization has launched the journalism relief fund following in the footsteps of the Facebook to help the local news outlets? देखिए कौन सी ऐसी organization ने journalism relief fund launch किया है to footstep the Facebook to help the local news outlets? ठीक है, local news outlets के लिए। तो इसका आंसर है आपका Google। ठीक है, fourth option Google। 30 नंबर है क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इंटीग्रेटेड पूल टेस्टिंग फॉर कोविड 19 अप्रूव्ड बाय द ICMR। देखिए भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने इंटीग्रेटेड पूल टेस्टिंग किट को मान्यता मिली है, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश। 14 नंबर के हम क्वेश्चन पर हम आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। देखिए भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्वारंटाइन किया गया है फॉर एनिमल्स। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड। भारत का ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। 15 नंबर के हम क्वेश्चन पे आते हैं। Find the airline company which launches India's first cargo on seat flight to carry the essential amid COVID-19. देखिए पहली ऐसी एयरलाइन कंपनी जिसने भारत की ऐसी पहली एयरलाइन जिसने फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट्स फॉर एसेंशियल किट्स एंड एमिट्स को फॉर COVID-19 के लिए लॉन्च किया हुआ है, तो कौन सी ऐसी कंपनी है? स्पाइस जेट, ऑप्शन नंबर 5 स्पाइस जेट।
16 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेम द इंडियन स्टेट विच प्रोवाइड्स अ फ्री फूड टू सिटीजन वाया मुख्यमंत्री दीदी किचन. देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने फ्री फूड फॉर सिटीजन के तहत मुख्यमंत्री दीदी किचन स्कीम के अंदर दिया है, तो ऐसा कौन सा राज्य है? झारखंड. ऑप्शन नंबर सेकंड झारखंड. 17 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं. नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पोकर स्टार्स इंडिया. भारत के ऐसे कौन से क्रिकेटर को पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन MS धोनी. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. Which Indian state government has launched the Annapurna and Supply Mitra portal for citizen food needs? देखिए भारत का ऐसे कौन से राज्य ने अन्नपूर्णा सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश. 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं. नेम द मल्टी लिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर 4 है इसका कोविड ज्ञान. विथ विच पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL हैज पार्टनर टू लॉन्च द भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म. देखिए ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है? ठीक है, ऐसे कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी BSNL पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च द भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म. तो इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. 21 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं. जफर सरफराज हु पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू द COVID-19 द इज फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑफ विच नेशन. देखिए जफर सरफराज रिसेंटली पास्ड हुए ड्यू टू द COVID-19, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान. देखिए आज की यहां पे हमारे लेक्चर्स खत्म हुए हैं. आज आप चाहें तो इस लेक्चर के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप मुझे चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं Piyush_Rai_IBS या फेसबुक पे Piyush Rai, वहां पे आपको मैं डेली क्विज डालता रहता हूं जो आपको हेल्प करती है. टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर. बाय बाय.